आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और वीडियोस को लाइक करना मत भूलें और साथ ही इस बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करूँगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने जो है वो आप लोगों के लिए कॉपी करके रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम एक्स सपोज कर लेंगे। दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर बोर्ड के पेपर्स में जो है वो आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हम जो है इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं लॉग की। ठीक है, सबके साथ जो है वो हमने लॉग ले लिया, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी लॉग की। अब इस लॉग टेबल में जो है हम इसकी वैल्यू देखेंगे। सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 1 है। अब 86 के 2 में जो है वो लॉग की वैल्यू देख लेंगे। तो ये देखें 86 के 2 में हमारे पास वैल्यू आ रही है 9355। ये देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 37 के 3 में देखेंगे। तो 37 के 3 में हमारे पास वैल्यू आ रही है 0123 5717। ठीक है, तो 5717 और मेन डिफरेंस इसका आ जाएगा हमारा 7। तो 7 में हम देख लेंगे, 7 में वैल्यू आ रही है 8। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 5725। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो 3 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा जो है वो 2 हो जाएगा। और 59 के हम 1 में जो है वो वैल्यू देखेंगे, 59 के 1 में ये देखिए 7716। ठीक है, अब इसको हम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब ये दोनों जो है हमारी प्लस में वैल्यूज हैं, तो इनको हम प्लस कर लेंगे। अभी जो आंसर आएगा उसे इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3.8710 प्लस 1.5725। तो ये आ रहा है हमारा 5.4435 माइनस 2.7716। तो इनको भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5.4435 2.7716।
तो ये आ रहा है हमारा 2.6719 ठीक है। तो ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर जो है वो एंटी लॉग ले लेंगे, अब ये देखिए एंटी लॉग टेबल में हम 67 के 1 में देखेंगे, ठीक है वैल्यू। तो 0.67 के 1 में वैल्यू आ रही है 4688, और मेन डिफरेंस 9 में देखेंगे टेन, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 4698। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 2 है तो हम 3 डिजिट्स के बाद जो है वो पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, या ये हमारा आंसर, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सारे सवाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, किसी भी सवाल में कोई ऐसा जो है वो मसला नहीं है, सब एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी हम दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ लॉग 23.60 प्लस 3 लॉग 8.719 माइनस हाफ लॉग 693, ठीक है। ये हो गया। अब आपने जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है पहले, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 1 हो जाएगा, और 23 के 6 में हम जो है वो उसकी वैल्यू देखेंगे लॉग टेबल में। तो 23 के 6 में जो है वो हमारे पास वैल्यू आ रही है 3729। ठीक है, ये आ गई वैल्यू, और आगे 0 था तो इसलिए मेन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा तो 0, 87 या 1 में देखेंगे। एटी सेवन के 1 में हमारे पास आ रहा है 9400। 87 के 1 में 9400, अब मेन डिफरेंस 9 में देखेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 9404। फिर आ जाएगा माइनस हाफ, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा बनेगा 2। अब 69 के 3 में आप इसकी वैल्यू देख लें, 69 के 3 में
01238407। बस ये क्या आपने लॉक की वैल्यू जो है वो बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि बहुत बारीक नंबर होते हैं तो मिस्टेक हो सकती है देखने में वैल्यू। चलें, इसके बाद जो है वो कैलकुलेटर वर्क होता है सारा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 1.3729 को जब आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6864। अब इन दोनों वैल्यूज को जो है वो हम प्लस कर लेंगे 0.6864, 2.8212, 2 तो देखिए वैल्यू हमारी आ जाएगी 3.5076। और ये माइनस हमें क्या करना है, ये हम इधर लिख देंगे -1.4203। ठीक है, ये इसमें से हम माइनस कर देंगे तो माइनस करेंगे 0.08 के 7 में देखेंगे हम वैल्यू आ रही है 1222, और मेन डिफरेंस आप देखेंगे 3 में वैल्यू आएगी 1। ये आपका आंसर आएगा, ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है तो 3 डिजिट्स के बाद जब हम पॉइंट लगा देंगे तो आपका आंसर आएगा 1222.3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के हवाले से, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अब आपको कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए लॉग में, क्योंकि तकरीबन सारे ही क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए हैं और अच्छी तरीके से उनको समझाया भी है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।